अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ आयशा खान आपके साथ और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें इसमें नीड है, ये मैंने दो प्याज ले लिए, इनको चॉप कर लिया था और इसका जूस निकाल लिया था। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब हम ऐड कर रहे हैं इसमें सारे मसाले, जिसमें ब्लैक पेपर है ये 1 टीस्पून, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, इधर करो और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, और ये मैंने ज़ीरा ले लिया था और इसको रोस्ट करके इसको कूट लिया है। ये अनारदाना है 1 टीस्पून, इसको भी मैंने कूट लिया था। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून अजवाइन और सॉल्ट है, 1 टीस्पून सॉल्ट, अजवाइन, ये पिसा हुआ धनिया है, ये भी 1 टीस्पून लिया है मैंने। अब हम ये सारे मसाले इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड कर रहे हैं इसमें टोमेटोज जो मैंने चॉप कर लिए थे, ये 2 टोमेटोज हैं। दो तीन मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, उसको कट कर लिया है, ये ऐड कर रही हूँ। ये धनिया है, ये एक गड्डी मैंने धनिया के लिए थी और इसको तोड़कर वॉश करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखें सारे मसाले ऐड कर लिए हैं इसमें। अब हम ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून मैदा, ये बाइंडिंग के लिए है। 1 एग। अब हम ये सारे मसाले डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले डालकर हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। 1 टेबल स्पून मैंने ये चपली कबाब मसाला लिया है बाज़ार का, ये भी डाल रही हूँ मैं इसमें ताकि जो टेस्ट है वो थोड़ा सा और अच्छा है। देख सकते हैं आप लोग, सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसको 1 घंटे के लिए रख देना है मैरिनेट करने के लिए। चलो हम मैरिनेट करने के लिए रखते हैं, फिर हम इसके टिकिया बनाएंगे। 1 घंटा हो गया है, अब हमने इसको ढक के रख दिया था। अब हम देखते हैं कि हमारा बैटर जो रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसकी टिकिया बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। चपली कबाब की टिकिया थोड़ी बड़ी और इस तरह फ्लैट होती हैं, देखें ये रेडी हो गया है। अब हम इस तरह सारी रेडी कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, ये हो गए हैं हमारे रेडी। अब हम इसको जा रहे हैं फ्राई करने, चला है फ्राई करते हैं। ऑयल हो गया है हमारा रेडी और अब हम इसमें डाल रहे हैं कबाब वन बाय वन फ्राई करने के लिए। इतनी मज़े की और सिजलिंग आवाज़ आ रही है इसमें कि फ्राई होने की। ये देख सकते हैं आप लोग, मेरे यमी यमी और क्रिस्पी से जूसी जूसी चपली कबाब रेडी हैं। कितने मज़ेदार से लग रहे हैं ये, बहुत मज़े के बने हैं। ये देखें कितने जूसी लग रहे हैं। और इसके साथ है रायता, पुदीने और धनिया और ज़ीरे वाला रायता जो बहुत मज़े का लगता है इसके साथ। देखें कितने मज़े के लग रहे हैं, तो आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। इसके साथ ही अपनी होस्ट आयशा खान को इजाज़त दीजिए,
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।